हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज 22nd of May 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज का एक दिग्गज कंपनी IRFC की ऊपर, क्योंकि ठीक कुछ टाइम पहले ही IRFC की तरफ से एक बहुत बड़ा न्यूज़ सामने आ चुका है, जो कि IRFC शेयर होल्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी न्यूज़ है, खुश न्यूज़ है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम IRFC का ये जो न्यूज़ है ये बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके साथ साथ IRFC के अंदर आपका आगे का क्या रणनीति है, IRFC का थोड़ा सपोर्ट लेवल क्या है, टारगेट क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। दोस्तों, आज तो 22nd of May 2021, आज से लगभग 3-4 दिन पहले आपको याद होगा IRFC के ऊपर ही मैं एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में मैं आपको टोटल दो न्यूज़ के ऊपर कवर किया था। सबसे पहला तो न्यूज़ था, उस दिन हमें 19th of May 2021 को IRFC का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग था, और वो बोर्ड मीटिंग में जो आउटकम निकला है उसके ऊपर एक न्यूज़ था। दूसरा दोस्तों जो न्यूज़ था, आपको याद होगा कि IRFC साथ में और एक स्टॉक को जो ग्लोबल इंडेक्स है उसमें इंक्लूड करने का बातचीत चल रहा है, तो उसको ऊपर दोस्तों आज की डेट पे एकदम फाइनल जो डिसीजन आ चुका है। तो दोस्तों, अगर लास्ट डे की बात करें तो करीबन हमें 1% के ऊपर तेज़ी देखने को मिला, और ये न्यूज़ के बाद दोस्तों मंडे IRFC के अंदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तेज़ हमें दिखाई दे सकता है। मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। चलिए फटाफट सबसे पहले हम न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ही टाइम पहले का न्यूज़ है। आप देखिए, आज की डेट पे लगभग 3:30 बजे के आसपास न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ आ चुका है IRFC और उसके साथ साथ ग्लैंड फार्मा। ये दोनों ही दोस्तों IPO कुछ दिन पहले ही आया था, बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है। तो FTSE इंक्लूडेड ग्लैंड फार्मा एंड IRFC इन ऑल वर्ल्ड इंडेक्स। ऑल वर्ल्ड इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर Nifty 50 इंडेक्स, जहाँ पे 50 टॉप शेयर का एक इंडेक्स, मतलब ग्रुप ऑफ शेयर बोल सकते हो आप, जैसे कि सेंसेक्स हो गया, ये सारे हैं इंडेक्स। वैसे ही दोस्तों ग्लोबल इंडेक्स के अंदर भी IRFC और ग्लैंड फार्मा को इंक्लूड किया जा चुका है। चलिए हम नीचे चलकर और भी डिटेल में पढ़ लेते हैं फटाफट। देखिए क्या लिखा हुआ है, FTSE has included, शब्द के ऊपर ध्यान देना दोस्तों, has included मतलब इंक्लूड हो चुका है, न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स ग्लैंड फार्मा एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी शॉर्ट में IRFC, इन इट्स ऑल वर्ल्ड इंडेक्स एज पार्ट ऑफ इट्स क्वार्टरली रीबैलेंसिंग रिव्यू रिलीज्ड ऑन सैटरडे। मतलब आज की डेट में दोस्तों ये रिलीज़ हो चुका है, जो नया स्टॉक को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है, तो उसमें नाम है IRFC का एंड ग्लैंड फार्मा का। जैसे कि हम सभी को पता है क्वार्टरली ये इंडेक्स चेंज होता है, कुछ नया स्टॉक्स को ऐड किया जाता है, कुछ पुराने स्टॉक्स को बाहर किया जाता है। हमारे यहाँ पे निफ्टी 50 में भी होता है, सेंसेक्स में भी होता है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे जो ग्लोबल इंडेक्स है वहाँ पे दोस्तों IRFC और ग्लैंड फार्मा को ऐड किया जा रहा है इस क्वार्टर से। और क्या लिखा है देखिए, FTSE will also implement the fourth and final tranche of Indian foreign ownership limit, yani FOL charges. All charges will be effective on 21st June se. In the quarterly review, FTSE only considered initial public offering और डीमर्जर विथ मीट द इंटरनल क्राइटेरिया। यानी जो नया कंपनीज है ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट हुआ है, ज़्यादा पुराने नहीं है, ये सारे कंपनीज़ को ये ग्लोबल इंडेक्स में ऐड किया जा रहा है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, स्पेशली IRFC बोलिए या ग्लैंड फार्मा, दोनों को ही शेयर होल्डर के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसका इफेक्ट हमें सीधा सीधा मंडे यानी परसों जब बाजार ओपन होगा वहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये न्यूज़ के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके जरूर एनकरेज करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। देखिए, अब हम बात करेंगे IRFC के अंदर आपका क्या रणनीति हो सकता है, क्या आपके पास शेयर है तो बाई करें या सेल करके निकल जाए या फ्रेश पोजीशन बनाए। दोस्तों, ध्यान से सुनना और समझना यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहली बात अगर हम बात करें
कि IRFC के अंदर मेरा जो पुराना स्ट्रैटेजी था, आपको याद होगा भली बात ही, मैं क्या कहा था कि आपके पास चाहे कोई भी लेवल्स पे है, चाहे 26 की लेवल्स पे है, चाहे 25 की लेवल्स पे है, चाहे 24 की लेवल्स पे है, आप शेयर को होल्ड करें और हर 2 रुपये की डिप्स में, यानी शेयर प्राइस 24 रुपये से समझ लीजिए 22 रुपये में आ गया, तो 2 रुपये की डिप्स में आप 50-50 क्वांटिटी का शेयर उठा लीजिए। ये मेरा जो पुराना स्ट्रैटेजी था, आज भी मैं वही स्ट्रैटेजी आपको बोलूँगा कि देखिए IRFC के अंदर जो आज की डेट में स्थिति है, अगर बात करें RSI इंडेक्स का, तो करीबन 65 के आसपास नज़र आ रहा है, और जो पुराने जो सपोर्ट लेवल था यहाँ पे आप देख सकते हो 21 रुपीज़ के अंदर लगभग एक महीने के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आया IRFC की शेयर। यानी आप अगर इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 21। ध्यान से सुनना, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा SL 21 रुपीज़ की लेवल। मेरे ख्याल से 21 के नीचे गिरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अगर कोई बहुत बड़ा कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ गया तो यहाँ पे गिरना मुश्किल है दोस्तों। और जो सबसे पहला सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है वो है 23 रुपये का लेवल। क्यों? क्योंकि जब से IRFC की शेयर प्राइस आप देखिए 21 से 23 का लेवल क्रॉस करके ऊपर आया, तब से देखिए ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया, ठीक है, एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया, तो लास्ट 4-5 या 6-7 ट्रेडिंग डेज से आप देख सकते हो शेयर प्राइस ये जो 23 रुपये का लेवल है इसके ऊपर सॉलिड सपोर्ट मिला हुआ है। मेरे ख्याल से इसके नीचे जाने का चांस बहुत कम है, अगर नीचे आ भी गया तो 21 रुपये के ऊपर सपोर्ट मिल जाएगा, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 21 रुपये का लेवल, यानी 21 रुपीज़ का लेवल आपके लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। अब बात आता है सर कितना इन्वेस्ट करें। दोस्तों देखिए अलग अलग इंसान का बजट अलग अलग होता है, आपका बजट छोटा है तो आप चाहे तो यहाँ पे 50 या 100 शेयर को खरीद सकते हो, आपका बजट बड़ा है तो आप यहाँ पे 200, 250, 1000 आपके बजट के अनुसार आप खरीद सकते हो। बट जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताया वो आपको भूलना नहीं चाहिए। क्या बोला कि हर 2 पॉइंट की डिप्स में अगर शेयर प्राइस गिर गया, अगर गिर गया तब भी की मैं बात बोल रहा हूँ, हर 2 पॉइंट्स की डिप्स में आप 50 या 100 क्वांटिटी उठा लीजिए, और ऊपर अगर भागने लगा तब भी दोस्तों आप हर एक डिप्स में खरीद लीजिए, क्योंकि कोई भी शेयर हमेशा के लिए तो ऊपर भाग नहीं सकता, जब जब करेक्शन होगा तब तब आप खरीदते जाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए IRFC जैसे शेयर आपको बढ़िया मुनाफा कमा के देगा। अब बात करूंगा दोस्तों IRFC का रेजिस्टेंस एंड टारगेट का। सपोर्ट लेवल का तो बात हो गया, 21 रुपये एंड 23 रुपये का सपोर्ट लेवल। सबसे पहला जो दोस्तों यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस लग रहा है, जहाँ पे अभी तक टच नहीं किया, लास्ट कुछ महीनों से 2-2.5 महीने हो गया, वो है 25 रुपये का लेवल। इसके पीछे क्या रीज़न है ध्यान से सुनना, जब शेयर प्राइस ऊपर की तरफ था, 25 के ऊपर था, 25.5 या 26 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, बहुत बार 26 रुपये के ऊपर जाने का कोशिश भी किया था यहाँ पे आप देख सकते हो, बट वहाँ पे नाकाम रहा, रेजिस्टेंस फेस किया, और नीचे की तरफ आप देख सकते हो उस टाइम पे जब मार्केट में लिस्ट हुआ उसके अगले 1-1.5 महीने के अंदर, देखिए ये जो 25 रुपये का लेवल है वहाँ पे एक सॉलिड सपोर्ट मिल रहा था IRFC की शेयर को, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट जब मार्च की महीने से गिरने लगा तो IRFC का शेयर प्राइस देखिए उसमें ब्रेक डाउन होकर नीचे आ गया, यानी जो 25 रुपये का सपोर्ट था वो ब्रेक करके नीचे आ गया, नीचे आके यहाँ पे सीधा सीधा 21 रुपये पे सपोर्ट मिला, यानी इसका जो पुराना सपोर्ट लेवल था 25 रुपये का लेवल वो आज IRFC के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है। अब देखिए IRFC के लिए सबसे पहला यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एंड टारगेट मेरे ख्याल से वो होगा 25 रुपये की ऊपर स्टेबल होना है, स्टेबल मतलब ऊपर सस्टेन करना है, जैसे कि लास्ट कुछ डे से आप देख सकते हो 23 रुपये के ऊपर IRFC को बहुत स्टेबल नज़र आ रहा है, वैसे ही 25 रुपये के ऊपर भी स्टेबल होना है। उसके बाद दोस्तों आराम से अगर एक बार स्टेबल हो गया 25 रुपये के ऊपर तो IRFC का शेयर दोस्तों आराम से ऊपर 30-32 या लॉन्ग टर्म में 50-100 भी निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात हमें अभी देखना पड़ेगा कि शेयर प्राइस को 25 रुपये के ऊपर स्टेबल होना है, बाकी दोस्तों ये तो बहुत शानदार कंपनी है, मैं बहुत बार इसके ऊपर एनालिसिस भी आपको कर चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे आपको सेल करना IRFC का शेयर बहुत ज़्यादा मूर्खता होगा, तो आप गलती से भी सेल ना करें। और आगे तो दोस्तों IRFC का Q4 का रिजल्ट भी आउट होगा, फिलहाल अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ, जब भी डेट डिक्लेयर हो जाएगा मैं तुरंत आपके साथ वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।